हेलो दोस्तों, इस वीडियो में यूनियन बैंक का डेबिट कार्ड का पिन सेट करके मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल घर बैठे ही किस तरीके से सेट किया जाता है। मैं आपको लाइव प्रूफ सेट करके दिखाता हूं। सबसे पहले दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, ये यूनियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग आपको डाउनलोड करके इसको रजिस्टर करना पड़ता है। इसी के जरिए मैं आपको पिन सेट करके आपको दिखाता हूं। तो इसको ओपन करने के बाद लॉग इन पिन आपको डाल देना है। लॉग इन पिन दोस्तों डालेंगे, लॉग इन हो जाएगा। उसके बाद मैं अभी दिखाता हूँ तरीके से आप लोग रिसेट कीजिए या फिर सेट कीजिए, एक ही बात होगी। ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, व्यू मोर पे यहाँ आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट कार्ड पिन, इस पर आप क्लिक करना है। इस पर दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपका कार्ड कर लेना है। यहाँ से देखिए, ये वाला मेरा कार्ड है, इस पे यहाँ पे ये कार्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी मंथ जो मैंने यहाँ छुपाया हुआ है वही मंथ है, मंथ डालेंगे। उसके बाद ईयर मैंने जो यहाँ पे छुपाया हुआ है क्लियर डाल देता हूँ। देख कर दोस्तों मंथ और ईयर मैंने दोनों डाल दिया है, और कार्ड को भी सिलेक्ट वगैरह सभी चीजें करके यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, इस नंबर जो दिख रहा है इसी नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल देना है। ओटीपी दोस्तों डाल के यहाँ सबमिट पर क्लिक कर। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका एटीएम पिन सेट करने का ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों जो चार अंक का पिन आप लोग ऊपर वाले में डालेंगे वही सेम चार अंक का पिन नीचे में भी डाल देंगे तो ये एटीएम पिन यही वाला आपका सेट हो जाएगा। रिसेट कीजिए या फिर सेट कीजिए, यही हो जाएगा। यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सक्सेसफुली ये हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको गो टू होम पे क्लिक कर देना है, और ये जो आप लोगों ने अभी जो आप लोगों ने सेट किया है बिल्कुल सक्सेसफुली आपका एटीएम पिन सेट हो चुका है। तो यही तरीका है दोस्तों इसमें पिन सेट करने का इस मोबाइल बैंकिंग के जरिए। अगर ये आपका मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट है तो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर ये सभी चीजें इसमें अकाउंट के साथ लिंक है और डेबिट कार्ड भी आपके पास है तो आप लोग इसको रजिस्टर वगैरह करके आप लोग एटीएम सभी चीजें सेट वगैरह कर सकते हैं।